ओके जी, सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग ये तरह के वीडियोस को ज्यादा अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। कि मेरी आज गाड़ी की, आप जैसा कि देख सकते हो, मेरी गाड़ी है पीछे और अपन इसकी सर्विसिंग के लिए आए। अब सर्विसिंग में क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा, डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज। सो व्लॉग को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग स्किप करते हैं और फिर कमेंट करने आ जाते हैं नीचे कि भाई ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। पूरा देखना, डिटेल में बताऊंगा विद द प्राइजेस ऑब्वियसली कि कितना किस में होता है, एक सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। लेट्स गेट इन टू टूडेज वीडियो, इट्स गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव वन, सो लेट्स गो। तो भैया अपन एकदम स्टेप वाइज जो है एकदम सर्विस चालू करेंगे अपनी। पहले अपन इंजन ऑयल से चालू करेंगे, उसके बाद ब्रेक पैड, फिर ऑल एंड ऑल मैं आप लोगों को वीडियो में आगे जरूर बताते जाऊंगा। जैसे जैसे मैं चीजें करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को इन्फो देते जाऊंगा, और एंड में मैं बिल जरूर दिखाने वाला हूँ, तो बस देखते रहना, ठीक है। और आप लोग को मैं मैकेनिक का नंबर और ये जो लोकेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी चेकआउट करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं सीधा इंजन ऑयल की तरफ। तो भैया सबसे पहले जो है अपना इंजन ऑयल बदलता है सर्विस में, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा चल चुकी है। लद्दाख के बाद एक ही सर्विस हुई थी, जिसके बाद मैंने गुजरात किया, गोवा किया, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 7,000 से 10,000 का किलोमीटर रनिंग हो चुका है। तो अपन जो है अभी बदल रहे हैं अपना इंजन ऑयल, अपन डाल रहे हैं मोटुल का, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यार भाई जो भी मैं राइड्स करता हूँ और जो भी खर्चे होते हैं ये सब स्पॉन्सर्ड है। नहीं भाई, सब अपने जेब से जाता है कतई। ये मोटुल का अपन जो आप देख सकते हो 15W50 का जो ग्रेड ऑयल है ये डाल रहे हैं। रीजन बीइंग लिक्वी मॉली थोड़ा बजट के बाहर है और अभी मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। लिक्वी मॉली में अराउंड 1 लीटर ही कुछ 1500 तक जाता है, तो भाई ये मेरे को अराउंड 750 to 800 में आ जाता है। अभी के लिए अपन वो डालते हैं, और पिछली बार भी जो मैंने लद्दाख किया था तो मैंने यही डाला था, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जिस पे ट्रस्ट बैठ जाता है एक बार उस पे बैठ जाता है। ऑब्वियसली फ्यूचर में अगर बाइक बदलेगी तो ऑयल भी बदलेगा, बट मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट फॉर रॉयल एनफील्ड हिमालयन। परफॉर्मेंस वाइज देखो या कुछ भी देखो, एक्स्ट्रा नॉइज नहीं कुछ इंजन में, दिस वर्क्स प्रीटी वेल। पहले पुराना ऑयल फ्लश आउट करते हैं और फिर इसको डालते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अपन ने जो पुराना ऑयल है वो फ्लश आउट कर दिया पूरी तरह, और अभी जो है अपना जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था भाई मोटुल का डाल रहे हैं। डालिए सर। अराउंड इसमें 1800 ml ऑयल जाएगा अपना, ये 2.5 लीटर का पैक आता है, और अभी अपन इसमें 1800 ml डालेंगे। इसका अपन ने ऑयल फिल्टर भी निकाल दिया है, अभी वो भी नया डालेगा, इसीलिए अपना पुराना ऑयल फिल्टर है कतई काला हो गया है, और ये वाला जो है अपना नया ऑयल फिल्टर है जो कि अपन अभी वहाँ डालेंगे। और यहाँ कैसे पता चलता है कि ऑयल अपना फुल है, यहाँ इंडिकेटर है ऑब्वियसली, ये सब हर हिमालयन ओनर को पता होगा यार, यहाँ इंडिकेट करता है ऑयल सही है। नया ऑयल फिल्टर लग चुका है एंड वी आर गुड टू गो नाउ। वी आर चेंजिंग द एयर फिल्टर, चेंजिंग या पता नहीं अभी क्या है, गंदा तो है ये, अच्छा खासा गंदा है, पर इसको देखते हैं, एयर मार के बोल रहे हैं हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई अपना जो एयर फिल्टर है साफ ही था, उसको एक बार एयर मार दिया, बट रिकमेंडेड ये है कि बस 6,000 से 7,000 किलोमीटर में आप एयर फिल्टर बदल लो। अवेलेबल नहीं है अभी, पर अपन जल्दी बदल देंगे जैसे ही अवेलेबल होता है। तो ये भी एक सर्विस का बहुत बड़ा पार्ट है एयर फिल्टर। बस अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सर्विस होता है। नेक्स्ट जो है अपन दोनों टायर्स के ब्रेक पैड चेक करेंगे, ब्रेक पैड का स्थिति क्या है, वैसे तो बदलना ही पड़ेगा। आप जैसा कि देख सकते हो है इसमें थोड़ा सा चलेगा, पर रिस्क नहीं लेना है अपन, बदलने में ज़्यादा भलाई है भाई, एक टाइम का जो सर्विस है पूरा खत्म कर देते हैं, फिर टेंशन नहीं होगा कि ये रह गया वो रह गया। एक चीज जो रह गया अभी जो है एयर फिल्टर अपना, वो जब आएगा तब आएगा, बट अभी ऐसा कुछ हालत है अपने ब्रेक पैड का भी, पुराने ब्रेक पैड है जो कि कतई कचरा दिख रहे हैं। ये जो है अपने भैया नए ब्रेक पैड्स, ब्रांड न्यू, एकदम मजा आ जाएगा अभी।
ये अपने रेयर ब्रेक पैड्स, रेयर ब्रेक पैड्स का हालत काफी अच्छा है, मतलब इसको अपन ने अच्छा चलाया है, इतना वेयर आउट नहीं हुआ है, बट अब बदल ही रहे हैं तो आप नए वाले देख सकते हो, ब्रांड न्यू कतई, मजा आ गया देख के भाई। लगा दो भाई। इसका इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, बस ये एक इन गया, अब ये दूसरा गया, लॉक हो गया, है ना, इतना ही है ना बस, बहुत ही इजी चेंज। ये तो घर पे भी चेंज कर सकते हैं बेसिकली, ये घर पे भी चेंज कर। अपना जो चेन का सेटिंग है वो बिल्कुल सही है, बस इसको क्लीन करके लूप करना है, जस्ट बिकॉज मैंने गोवा में इसको अच्छे से लूप वॉर ये सब किया था, तो चेन का इतना कुछ इशू नहीं है, बस क्लीन करके इसको बस वॉशिंग करेंगे। इसका जो भी फाउंडेशन वगैरह आप होते हैं, इसका मैंने एक डेफिनेटली एक अलग वीडियो बनाया, मैंने इसका पूरा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो होता है वो बदल दिया है बस, तो ये मोस्टली अगला वीडियो बनाया है मैंने इसके लिए प्रॉपर एकदम आप लोगों के लिए, तो वो भी चेकआउट कर देना, मोस्टली कल या परसों तक आ जाएगा वो वीडियो भी। तो सर्विस में इतना ही होता है बस, अभी चेन सेटिंग, चेन लूप, वॉश, ये मेजर काम हो गए भैया। एयर फिल्टर जैसा कि मैंने कहा नहीं है, और बाकी जो भी नट बोल्ट्स हैं, लेग गार्ड वगैरह, वो सब आप अपने मैकेनिक को बोल दो, वो कर देंगे, ऐसा कुछ इशू का बात नहीं है। दैट्स व्हाट कम्स इनटू फाउंडेशन, चेन क्लीन कर रहे हैं बराबर। चेन क्लीन का मैंने एक डेफिनेटली एक अलग सा वीडियो बना रखा है बॉस मेरे चैनल पे, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना बॉस। मैंने बहुत ही अच्छा और डिटेल में हाउ टू क्लीन योर चेन इन 15 मिनट्स बता रखा है, तो आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। अभी बस चेन क्लीन होएगा अपना, और उसके बाद वॉश होगा, इसके बाद जो है अपना बिल इसका कितना है ये बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई सर्विस हो चुका है अपना खत्म, एकदम जनरल सर्विस था, बहुत ही मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत दिक्कत वाली चीज थी, बहुत ही जनरल सर्विस था, और अब है अपना काम वॉशिंग का। प्रॉपर तरीके से डन हो चुका है, एक मतलब आप देख सकते हो कुछ भी गंदगी जो है अपना बचा नहीं है अभी, और अब जो पार्ट किसी को पसंद नहीं है, एक्चुअली आप लोगों को देखने में ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि बिल कितना हुआ, इतना हमने इंजन ऑयल किया, ब्रेक पैड बदले, मैंने क्लच असेंबली का भी काम किया जो कि आप अगले वीडियो में देखोगे, उसका खर्चा अलग बताऊंगा, बट कितना लेबर होता है असली में और क्या शोरूम से डिफरेंस होता है भैया, बाहर क्यों कराते हैं अपन, ये आप लोगों को एक अगले शॉट में पता चल जाएगा। जी जो पल का सबको इंतजार था, कतई इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये सब लेबर वेबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टोटल बिल मेरा इतना आया है सर्विस का, और क्लच प्लेट असेंबली जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो तो मैं खुद लेके आया था, तो उसका सिर्फ उन्होंने लेबर ही लगाया, बाकी तो मैं पे कर दिया था, आपको प्राइस ऑलरेडी पता है। तो बस देखो अपनी सर्विस हो चुकी है, आप खेरगांव में आ सकते हो भैया, यहाँ होती है अपनी सर्विस, स्क्रीनशॉट ले लो, बात खत्म करो। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, नए हो तो इंस्टाग्राम पे भी कंसीडर कर लेना भाई, फॉलो करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन है भैया, खुल के पूछो, ठीक है। चलो दिस इज विक्रम सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइड आउट, राइट सेफ।